इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग है फिफ्थ रूट, मतलब 1/5 पावर, 1/2 टू दी पावर 1/5 इक्वल टू दी पावर एक्स। अब ये 1/2 है, इसको मैं 2 लिखूंगा तो -1 हो जाएगा, टू दी पावर -1 और उसकी होल पावर 1/5 इक्वल टू टू दी पावर एक्स, देन टू दी पावर -1/5 इक्वल टू टू दी पावर एक्स, देन एक्स इक्वल टू -1/5। तो एक्स की वैल्यू मिल गई आपको -1/5। ठीक है, फोर्थ वन का आंसर मैंने बताया आपको -3/7, तो सबका आंसर है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुमने करेक्ट आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन था जिसका बेस था 1/3, तो सेकंड का फर्स्ट का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत सारे ने सही आंसर दिया, लेकिन सबने नहीं दिया, बाकी लोग क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, 8-10 बच्चों के लिए बाकी लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे आप लोग? इसका आंसर करेक्ट है उसी राशि, इसका आंसर करेक्ट तेरा का आंसर करेक्ट, और ये है शुक्ला एथवी, इसका आंसर करेक्ट प्रेतिया प्रीश, इसका आंसर करेक्ट है युवानी आरव, इसका आंसर करेक्ट है फिर चापा लेवी हर्षी, इसका आंसर इनकरेक्ट है मेघा कुमारी, आपका आंसर करेक्ट है आरव दवे कृष्णा शास लिया, आपका आंसर इनकरेक्ट है दवे कृष्णा, आपका भी इनकरेक्ट है चतुर्वेदी अभिधि, आपका भी आंसर इनकरेक्ट है, और चौहान श्रुति आपका भी आंसर इनकरेक्ट है। मीत आपका आंसर करेक्ट है, याव्या माधव आपका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल इसका आंसर है -4, -4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा मैंने बोला है कि फर्स्ट तो मैं वो एक्सप्लेन कीजिए, चलिए मैं एक काम करता हूँ सारे एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन, जिसका भी डाउट होगा वो देख लेगा। लॉग ऑफ 81 टू दी बेस 1/3 ये पूछा है, इसकी क्या वैल्यू होगी? लॉग ऑफ 81 टू दी बेस 3, अब हम क्या करने वाले, सुनो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 81 इक्वल टू 1/3 टू दी पावर एक्स, और 81 को लिखते हैं 3 टू दी पावर 4 इक्वल टू 1/3 टू दी पावर एक्स, और हमें ये पता है कि 1/3 का मतलब 3 की पावर माइनस 1, तो 3 टू दी पावर 4 इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस 1 और उसकी होल पावर एक्स है, ये हो गया 3 टू दी पावर 4 इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस एक्स, एंड माइनस एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 4, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको इसकी -4। अब समझ गए, अब समझ आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट आंसर बताइए, वेरी गुड बहुत बढ़िया। सबका करेक्ट है -1/3, वेरी गुड बहुत बढ़िया, सबने आंसर करेक्ट दिया है। चलिए ये तो होता है सेकंड, थर्ड वाला बताइए, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड थ्री, वेरी गुड मेघा कुमारी आपका करेक्ट है, अर्शील आपका करेक्ट है, आरव आपका करेक्ट है, एथ्री करेक्ट आंसर, क्रिश आपका भी आंसर करेक्ट है, दवे कृष्णा बिल्कुल करेक्ट आंसर, और कोई? इतने सारे बच्चों का सासया आपका आंसर इनकरेक्ट है, मीत आपका करेक्ट है, याव्या माधव आपका करेक्ट आंसर, वेरी गुड, अदिति आपका इनकरेक्ट है, चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लॉग ऑफ बेस 1/3 और 1/3 सेवंथ रूट, ये आपसे पूछा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सलेट करेंगे, ये यहां से हटेगा, तो ये है 1/3 टू दी पावर 1/7 और ये 1/3 टू दी पावर x। कंपेयर करो तो x की वैल्यू 1/7 आ गई ना, x इक्वल टू 1/7, बस इतना छोटा सा आंसर है इसका, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है 4, इसका आंसर क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर, देखा कुमारी आपका आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। अर्शील आपका आंसर करेक्ट है, देवी आपका करेक्ट है, शिवराज सिंह आपका करेक्ट है, मेघा कुमारी आपका करेक्ट है, प्रीश आपका करेक्ट है, आरव आपका करेक्ट है, देवी आपका करेक्ट है, अक्षर पुजारा आपका इनकरेक्ट है, एफी आपका करेक्ट है, श्रेया आपका इनकरेक्ट है, नीत आपका भी इनकरेक्ट है, कृष्णा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ये भी सॉल्व कर लेते हैं, 9√3, देखो लॉग ऑफ 9√3 टू द बेस 1/3, अब समझिए क्या होगा, लॉग ऑफ बेस 1/3, इस 9 को मैं 3 स्क्वायर लिखता हूं और रूट 3 का मतलब 3 की पावर 1/2 लिखता हूं। अब ये इक्वल टू x है, ये भी x है, ये हुआ लॉग, यहां से हटेगा तो यहां पे चला जाएगा 1/3 बेस में, इधर बचेगा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/2, 1/3 टू दी पावर x, ये हुआ 3 की पावर 2 प्लस 1/2, ये हुआ 3 की पावर माइनस ऑफ x, क्योंकि 1/3 है ना तो माइनस ऑफ x, ये 3 की पावर 2 एंड हाफ का मतलब 5/2, 3 की पावर 5/2, ये 3 की पावर माइनस x, कंपेयर करोगे तो वैल्यू मिलेगी 5/2 इक्वल टू माइनस ऑफ x, देन x इक्वल टू माइनस 5/2, ये आपने वैल्यू ढूंढ निकाली x की माइनस 5/2, समझ गए, ठीक है। और लास्ट लास्ट का आंसर कौन बताएगा, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया, इतने सारे बच्चों का राइट आंसर, देखो देखिए आपका आंसर करेक्ट है, दूसरा सीन आप चेक करो, अर्शिल आपका आंसर करेक्ट है, प्रेजिया क्रिश आपका आंसर करेक्ट है, एथ्री आप चेक करो, मेघा कुमारी आप भी चेक करो, नहीं आपका आंसर करेक्ट है, मेघा आपका आंसर करेक्ट है, आरव आपका भी करेक्ट है, अर्शिल आपका करेक्ट, जावी माधव करेक्ट, मेघा कुमारी करेक्ट, दवे कृष्णा करेक्ट, श्रेया आप चेक करो, एवरी आप भी चेक करो, हाँ देखो अगर आप में से किसी से नहीं हुआ तो वो चलो चेक कर लेते हैं। क्या होगा, 1/log of 1/3, 1/9, 4√3, 4√3 क्या लिखेंगे, देखो log of इसको लिखा 1/3 तो बेस है, ये हो जाएगा 1/9 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 1/9 का मतलब 3 स्क्वायर और 3 टू दी पावर 4√3 मतलब 3 की पावर 1/4, तो ये आया 3 की पावर 1/4, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/3 तो 1/3 की पावर 2 एन प्लस 1/4, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/3 1/3 टू दी पावर 2 एन 1/4, ये हो गया 9/4, ये हो गया 9/4, ये इक्वल टू x लेट किया तो ये 1/3 इसका बेस बन जाएगा, तो 1/3 टू दी पावर 9/4 हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड 1/3 टू दी पावर x, कंपेयर करो तो x मिलेगा 9/4, ये x की वैल्यू मिली 9/4, अब समझ गए, ये थे कल के कुछ एग्जांपल्स, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करने को दिए, अभी हम देखते हैं
क्या क्या वैल्यू बन सकती है। अभी मैं अगर आपसे पूछता हूं कि log of वन बेस वन इसकी क्या वैल्यू, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि वन का कौन सा पावर वन होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वन का पावर टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू सारे के सारे पावर वन ही होती है, कोई यूनिक वैल्यू है नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब अगर आपसे पूछा जाए लॉग ऑफ बेस जीरो और ये a, इसकी क्या वैल्यू? नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि जीरो की पावर कुछ भी करोगे जीरो ही आएगा, पॉसिबल भी नहीं है। और ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि log of x या n to the base, sorry, x to the base a equal to n है, तो a is greater than zero and a is not equal to one, one नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगी। और इसके अंदर जो x होता है वो भी पॉजिटिव, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि log of a to the base a इसकी वैल्यू क्या हो, तो इसकी वैल्यू होती है वन। ये कैसे पता चला? क्योंकि a का कौन सा पावर a मिलेगा, a की क्या पावर लगाओगे कि आपको a मिलेगा? वन। तो जो वैल्यू यहाँ पे है सेम बेस हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। फॉर एग्जाम्पल log of टू बेस टू वन, log of फोर फोर या फाइव बेस फाइव वन, log of टेन बेस टेन वन, सेम वैल्यू जो यहाँ है वही बेस में तो उसकी वैल्यू वन होती है। एक और log of n बेस वन बाय n, उसकी वैल्यू माइनस ऑफ वन होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 1 बाय एन का कौन सा पावर n होता है, 1 बाय एन की कौन सी पावर लगाओगे कि आपको n मिल जाए? माइनस वन। ये 1 बाय एन है, इसकी पावर माइनस वन लगाया, माइनस वन लगा तो ये ऊपर चला जाएगा, n हो गया। तो 1 बाय एन का कौन सा पावर n होता है? माइनस वन। ये आ गया माइनस वन, ठीक है। क्लियर? अब सुनो नेक्स्ट है, आपके काम कीजिए। log of n to the base वन इसकी क्या वैल्यू हो? वन का क्या पावर लगाओगे कि n आ जाए? कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कुछ भी लगाओ वन की पावर तो वन ही आती है, n आता ही नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें बेस क्या आ गया? वन आ गया, और वन बेस कभी भी डिफाइंड नहीं होता। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि log of क्या प्रॉपर्टी है, वन टू द बेस a इक्वल टू कितना? जीरो। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी log की, एक और वैल्यू। log of वन हमेशा जीरो होता है चाहे बेस कुछ भी हो। log of 1 to the base a equal to 0 log के अंदर आप कुछ भी put करो अगर log का base कुछ भी हो log 1 की value 0। ऐसा क्यों? इसका मतलब होता है कि a की कौन सी पावर लगाओगे कि 1 मिल जाए? 0। a की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। यही तो कह रहा है कि a की कौन सी पावर लगाऊं कि 1 मिल जाए 0। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसा मिले log of 1 to the base 10 0, log of 1 to the base 5 0, log of 1 to the base 2 0, log 1 हमेशा 0 होता है चाहे बेस कुछ भी हो। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? log of 1 is always 0। समझ गए? चलो वेरी गुड।
और बढ़िया, चलो नेक्स्ट है वेद और ये वाला। मैं इसको रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको समझिए, मैंने बोला कि log of, सॉरी मैंने बोला कि 5 टू द पावर 3 है वो 125 होगा, ठीक है ये बोला मैंने। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि log of 125 टू द बेस 5 वो 3 होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से log इसको डंडा मारूंगा तो ये जाएगा इसके चरणों में, 125 तो 5 की पावर 3 हो जाएगा और वो 125, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अगर मैंने लॉग को डंडा मारा, लॉग को शिफ्ट किया तो सिंपल बेस बन गया। अब अगर मैं सिंपल बेस को यहां से हटाऊंगा तो वो लॉग का बेस बनेगा कैसे, जैसे 5:3 है, अब मैं ओनली 3 लिखूंगा पावर को, तो बेस कहां जाएगा, इधर, और इधर जाके क्या बन जाएगा, लॉग का बेस बन जाएगा। ये ऐसे उसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू x, तो a कितना होगा, log का बेस, इधर जाके सिंपल बेस बनेगा b की पावर x, एक्सपोनेंशियल बेस। और मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि a टू द पावर y इक्वल टू c है, सिंपल बेस है ये एक्सपोनेंशियल बेस, तो ये इधर जाके log का बेस बनेगा, तो y इक्वल टू log ऑफ c टू द बेस a। क्या ये बात आप लोगों को अभी समझ में आई कि log का बेस वहां जाके एक्सपोनेंशियल बेस या सिंपल बेस बनता हो, सिंपल बेस चेंज करोगे तो लॉग का बेस बन जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, लॉग ऑफ एन टू द बेस टी इक्वल टू क्यू है, तो एन इक्वल टू हो जाएगा पी टू द पावर क्यू, क्लियर। और पी टू द पावर क्यू है इक्वल टू एन, तो ये बेस यहां से हटाऊंगा, इधर जाके लॉग का बेस बनेगा q इक्वल टू लॉग ऑफ n टू द बेस t। क्या ये दोनों चीजें समझ में आई आप लोगों को, समझ में आई, तो अब आप बेस चेंज कर सकते हो एक्सपोनेंशियल का और लॉग का। तो अब मुझे बताइए कि इसकी क्या वैल्यू होगी, a टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसकी वैल्यू x होती है। ये कहां से मुझे मिला, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये वैल्यू कहां से मिली। सुनना, हम लोग लाइन चल रहे हैं, एक्स की जगह मैं कोई और वैल्यू दे देता हूं, बी दे देता हूं, तो ये बी आ जाएगा, मतलब सेम बेस, एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस सेम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस। अब देखिए कैसे, इसको मैं प्रूव करके बताता हूं। मैंने लेट किया a टू द पावर log ऑफ b बेस a इक्वल टू x है, ये मैंने ले लिया। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल बेस है, शिफ्ट करोगे तो log का बेस बनेगा, log का शिफ्ट करोगे तो एक्सपोनेंशियल, तो यहां से ये एक्सपोनेंशियल बेस है, इसकी पावर ये है, तो यहां से शिफ्ट होगा तो log का बेस बनेगा, तो ये इधर तो लिख दिया मैंने log ऑफ b टू द बेस a, इधर आएगा log ऑफ x टू द बेस a, क्लियर। अब बोथ साइड देखो, बोथ साइड लॉग है, बोथ साइड सेम बेस है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो b इक्वल टू क्या हो गया x, तो इस x की जगह मैं क्या लिखूंगा, b लिखूंगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहीं पे भी ये लिखा हुआ है 2 की पावर लॉग ऑफ a बेस 2, तो इसकी वैल्यू a के इक्वल होती है, एक्सपोनेंशियल बेस और लॉग का बेस सेम हो, एक दूसरे के ऊपर है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। 5 टू द पावर log ऑफ y टू द बेस 5, तो ये y होता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, समझ गए सब लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात,
बहुत समझदार हो सारे सर। आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आप लोगों में से किसी को कुछ, सबको, किसी को क्या, सबको कुछ पूछता हूं, देखिए कौन कौन आंसर देता है। मैंने आप लोगों को यह पूछा कि log of 1000 टू द बेस 10 ये कितना होगा, log of 1/100 टू द बेस 10 ये कितना होगा, और मैंने आपसे पूछा log of 1/10 और 100 ये कितना होगा, और मैंने आपसे पूछा log of 1/10 1/1000 ये कितना होगा। चलिए ये चारों क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप में से कौन देता है देखते हैं। फर्स्ट वाले log of 1000 टू द बेस 10 कौन बताएगा क्या वैल्यू होगी। अक्सर आप पहले रोल नंबर लिखो, कितनी बार बता चुके आपको ये दो बार अक्सर गुजारा कौन है, फर्स्ट आंसर ये कृष्ण दिया वेरी गुड, मेगा कुमार दिया वेरी गुड, और किसने दिया आंसर, सुराज सिंह ने दिया वेरी गुड, डेरिया ने दिया बहुत बढ़िया, शाबाश क्या बात, बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड। आ रहा चलो अब देखते हैं इसका आंसर होगा 3, इसका आंसर होगा 3, ठीक है। अब आप में से किसी को डाउट है 3 आंसर कैसे मिला, है आप में से किसी को डाउट है कोई, नो डाउट किसी को डाउट नहीं है। दूसरा log of 10 बेस 10 है और ये 1/100 है, कौन बताएगा क्या लिखूं, वेरी गुड बहुत बढ़िया शाबाश -2 बहुत ही बढ़िया वेरी नाइस -2 यहां पे कौन बताएगा क्या लिखूं, बहुत बढ़िया -2 वेरी गुड क्या बात। अब यहां पे कौन बताएगा क्या लिखूं, वेरी गुड ठीक क्या बात है बहुत बढ़िया वेरी नाइस ठीक है। चलो अब एक और चीज पूछता हूं आपसे, log of 264 इसकी वैल्यू क्या होगी, log of 2 1/32 इसकी क्या वैल्यू होगी, एंड log of 1/216 की क्या वैल्यू होगी, एंड log of base 1/2 1/8 इसकी क्या वैल्यू होगी। चलो सबसे पहले कौन बताएगा log of 64 टू द बेस 2 इसकी क्या वैल्यू होगी, बहुत बढ़िया वेरी नाइस क्या बात, सबका आंसर बहुत ही खूबसूरत बहुत शानदार आंसर है 6 आंसर सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया वेरी गुड क्या बात सारे के सारे इंटेलिजेंट बच्चे। चलो नेक्स्ट देखो log of 1/32 टू द बेस 2 कौन बताएगा क्या मिलेगा, log of 1/32 टू द बेस 2 बहुत बढ़िया कुछ कुछ ने आंसर रॉन्ग दिया है बहुत बढ़िया -5 क्योंकि 2 की पावर -5 लगाओगे तभी तो 1/32 पहुंचोगे, 2 की पावर -5 पे 1/32 पहुंचोगे। चलिए नेक्स्ट log of 16 टू द बेस 1/2 log of 16 टू द बेस 1/2 कौन बताएगा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड -4 बहुत बढ़िया -4
और log of 1 by 8 to the base 1 by 2, 3, very good, बहुत सारा। अब मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ये है log of a to the base b। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू है वो मैंने बोला कि n। तो फर्स्ट केस, इफ इफ a एंड b आर ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ वन, ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, देन देन n इज पॉजिटिव। सेकंड जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ये खासकर इफ a कॉमा b आर ऑन ऑपोजिट साइड साइड ऑफ वन ऑन नंबर लाइन, देन n शुड बी नेगेटिव, है ना। मतलब ये कि लॉग का जो कोएफिशिएंट है वो और उसका बेस वन के सेम साइड हो तो उस लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और दोनों ऑपोजिट साइड में तो उसकी वैल्यू नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, ये मैं नंबर लाइन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये है नंबर लाइन, ये जीरो, ये वन, ये टू, और ये आगे 16, ये आएगा 32, ये 64, इधर से कुछ वैल्यू आएगी जो इधर की तरफ। अब ध्यान से देखना, 2 और 64 ये दोनों ही 1 के इस साइड, 2 इधर 64 इधर, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिली, 6। और इसको देखो, 2 1 के राइट में और 1/32 इधर है, 1/32 इधर, 1 के लेफ्ट में, जब दोनों ही अलग अलग हो, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब इसको सुने, 1/2 ये 1 के लेफ्ट में और 16 राइट में, दोनों ही अपोजिट है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव। अब इसको देखो, दोनों ही 1 के लेफ्ट में, 1/2 भी 1 के लेफ्ट में और 1/8 भी, दोनों सेम साइड है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव। अब इसको भी देखिए, 1/10 इज लेस देन 1 होता है, 1/1000 भी लेस देन 1 होता है, दोनों 1 के एक ही साइड में लेफ्ट साइड में तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव। ये देखिए, 1/100 1 के लेफ्ट में और 10 1 के राइट में, दोनों अपोजिट साइड में 1 के तो इसकी वैल्यू नेगेटिव। इसको देखिए, 10 1 के राइट में, 1000 1 के राइट में, दोनों एक ही साइड है 1 के, पॉजिटिव। इसको देखिए, 100 1 के राइट में, 1/10 1 के लेफ्ट में, दोनों अपोजिट तो नेगेटिव। तो क्या ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए? दोनों पॉइंट क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, हम सर पढ़े तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। चलिए तो हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखो, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आता है अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, log of cos 60 डिग्री to the base sin 30 डिग्री, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी क्या वैल्यू होगी। दूसरा क्वेश्चन है, log of 1.3 बार to the base 3/4, इसकी क्या वैल्यू होगी। नंबर थ्री, थर्ड क्वेश्चन है, log of 2 plus square root 3 to the base 2 minus square root 3, इसकी क्या वैल्यू होगी। एंड फोर्थ वन इज log of root 5 up to infinity to the base 5, इसकी क्या वैल्यू होगी। ये सारी वैल्यू आपसे पूछा है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, log of tan 1 degree
इनटू लॉग ऑफ टेन टू डिग्री इनटू अप टू लॉग ऑफ टेन 89 डिग्री, इसकी क्या वैल्यू होगी? सिक्स क्वेश्चन है, 7 टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, देन x क्या होगा? एंड 7 क्वेश्चन है, लॉग ऑफ x माइनस 3 टू दी बेस 2 इक्वल टू 4, देन x क्या होगा? एक और क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा, इसके अलावा आपको होमवर्क में भी दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन। 2 दी पावर नेक्स्ट 8 यहां पे नहीं लिखा होगा, मैं 8 क्वेश्चन यहां लिखता हूं, log of x minus 3 to the base 2 plus 2 into x minus 3 minus 12 equal to 0, then x is what? फर्स्ट मैं सॉल्व करवाता हूं, देखिए log of cos 60 degree to the base sin 30 degree, cos 60 degree की वैल्यू आप सबको पता है लगभग, है ना, वो टेबल सबको ध्यान होगी, cos 60 degree की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 degree की वैल्यू भी 1/2, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? देखो 1/2 1/2 दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये बता चुका हूं मैं अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर 1, ये फर्स्ट का आंसर सॉल्व हो गया। नंबर 2, 1.3 बार, इसका मतलब होता है 1.33333 अप टू इंफिनिटी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको x सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x हो जाएगा 13.33333, और ये वाला x यहां लिखूंगा 1.33333, इसको इसमें से नेगेटिव करूंगा माइनस, तो 10x माइनस x 9x हो गया और 13 माइनस 1 12 हो गया, बाकी सारे के सारे 0 हो गए, तो x कितना हुआ 12/9, मतलब 3 से कैंसिल हो तो 4/3, x की वैल्यू 4/3 और x क्या था 1.3 बार, तो 1.3 बार इक्वल टू 4/3। अब आपसे क्या पूछा है, log of 1.3 बार मतलब 4/3 और ये है 3/4, अब ध्यान देना 3/4 की कौन सा पावर 4/3 होता है, 3/4 का कौन सा पावर 4/3 होता है, कौन बताएगा? 3/4, वेरी गुड, क्या बात है, धैर्य आरव प्रज्ञाप्रीश, हाँ वेरी गुड, माइनस 1 बहुत बढ़िया, सौमिल 1/2 कहां से आएगा, माइनस 1 आएगा, 3/4 की पावर माइनस 1, तभी तो रेसिप्रोकल होगा, तो इसकी वैल्यू मिल गई माइनस 1। तो ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ लो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर, और डाउट नहीं है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, कि दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सेकंड में लास्ट स्टेप, ओके लास्ट स्टेप है, देखिए x है 1.333, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल पीछे चला जाएगा 13.333, इसमें से x को माइनस किया तो 10 माइनस x 9 हो गया, 13 माइनस 1 12 हो गया, अब 9 से डिवाइड किया 12/9, 3 से कैंसिल हुआ, 3 4 जा और 3 3 जा 4/3, तो 1.3 बार 4/3 आया, ये 4/3 इधर, 4/3 और 3/4 इन दोनों का क्या रिलेशन है, 3/4 की पावर मैं माइनस 1 लगाता हूं तो 4/3 आता है, तो पावर कितनी हुई माइनस 1, क्लियर। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए, मैं इनको रब कर रहा हूं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अब वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा इसको समझ, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए log of 2
प्लस रूट थ्री की बेस टू माइनस रूट थ्री। ये पूछ रहा है कि टू माइनस रूट थ्री का कौन सा पावर लगाऊं कि टू प्लस रूट थ्री आ जाए। अब एक बात तो आप सब लोगों को पता है कि टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो वन मिलेगा। कैसे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टू का स्क्वायर फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, फोर माइनस थ्री वन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट वन मिल गया। अब आपसे पूछा जाए कि टू माइनस रूट थ्री कितना होगा, तो टू माइनस रूट थ्री होता है वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री। मतलब टू माइनस रूट थ्री किसके इक्वल? टू प्लस रूट थ्री टू दी पावर माइनस वन के। और अगर आपसे ये पूछा जाए टू प्लस रूट थ्री किसके इक्वल, तो टू माइनस रूट थ्री की पावर माइनस वन के। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि इसका कौन सा पावर टू प्लस रूट थ्री होता है? माइनस वन। तो इसकी वैल्यू माइनस वन। क्या ये बात सबको समझ में आई? सब लोग समझ गए इसकी वैल्यू माइनस वन मिलेगी। ओके नेक्स्ट। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 555 टू इंफिनिटी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सॉल्व किए थे? लेट x इक्वल टू रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव अप टू इंफिनिटी। अब हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो ये हुआ x स्क्वायर इक्वल टू फाइव टू, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे के सारे रूट बचे रहेंगे। और ये सारे के सारे रूट इसकी वैल्यू क्या है? x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5x, तो x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू हो सकती है x की, या तो x इक्वल टू 0 हो या फिर x इक्वल टू 5 हो। अब 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू क्या होगी? 5। मतलब ये रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव, इसकी वैल्यू कितनी मिली? 5। तो ये कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। जब ये दोनों एक जैसे हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये बात तो सबको पता है ही, आपने से समझ गए। चलिए नेक्स्ट वन। अच्छा, आप में से कौन बताएगा tan 1 डिग्री इनटू tan 2 डिग्री इनटू tan 3 डिग्री इनटू tan 4 इनटू tan 5 6 7 8 अप टू 89 तक? तो क्या इसके बीच में 45 भी आएगा? 1 से लेके 89 के बीच में 45 भी आएगा क्या? आएगा ना। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा? tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1। वेरी गुड। तो ध्यान देना, इसमें कहीं ना कहीं बीच में log tan 45 डिग्री आया होगा। log tan 45 मतलब log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये बता चुका हूं। चाहे बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0। तो जैसे ही log 1 0 हो जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में ये इतनी सारी टर्म है tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, इन सब का प्रोडक्ट होके क्या मिल जाएगा? 0। अब आपको दूसरे की tan 1 डिग्री कितना होगा, 2 डिग्री कितना होगा, उसकी टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 भी, हाँ जाहिर है, क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। log of tan 1 डिग्री इंटू log of tan 2 डिग्री इंटू log of tan 3 डिग्री प्रोडक्ट है अप टू log of tan 89 डिग्री। एक्सप्लेन 4 बेटा, रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, रूट के अंदर रूट है, उसको हमने एक्सटेंड किया है, तो बोथ साइड स्क्वायर किया, तो एक रूट कैंसिल होगा, बाकी रूट ऐसे चीज रहेंगे, और बाकी जितने भी रूट है वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू 0 और 4। हाँ दे दिया। देखो log 1 log tan 1 डिग्री इंटू log tan 2 डिग्री इंटू log tan 3 डिग्री, ये सब प्रोडक्ट है, उसके अंदर log tan 45 डिग्री भी आएगा। इसके अंदर देखो 1 डिग्री से लेके चलोगे ना आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो log कहीं ना कहीं tan 45 डिग्री भी आएगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो log 1 की वैल्यू 0। अब ये 0 किसी से, इधर 1 से लेके 44 है, इधर 46 से लेके 89 है, इन सभी के साथ 0 होके वो तो 0 बना देगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ में आया? क्लियर?
चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बाकी सब रख करता हूँ। अभी एक दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी सॉल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट डन, ओके वेरी गुड। चलिए अभी आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, ऐसा लिखा हुआ है 7 to the power log of x to the base 7 +2x + 9 = 0। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल बेस और ये लॉग बेस, दोनों बेस जब एक जैसे हो तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आएगी x, ये मिला x प्लस 2x + 9 = 0, एक्स प्लस 2x 3x + 9 = 0 देन 3x = -9x = -3 एक्स की वैल्यू -3 मिल गई, ये सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है log of x माइनस 3 to the base 2 equal to 4। अब हम क्या करते हैं, log पर डंडा मारते हैं तो ये बेस इधर चला जाएगा, तो x माइनस 3 equal to 2 the power 4 then x minus 3 equal to 2 the power 4 मतलब 16 then x equal to 16 plus 3 19 ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? आप लोग समझ गए, किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आप साथ साथ देखिए और उनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करना है और कल मैं आपसे पूछूंगा और आपको मुझे बताना है आपने क्या क्या आंसर फाइंड किए उनको सॉल्व करके। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा, ट्राई नहीं करेगा। जैसे ही स्कूल में ऊपर होंगे मैं सबसे पहले आपकी नोट्स वाली बुक देखूंगा, आप कितना काम किए और कितना नहीं। चलिए क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल नंबर ए, फाइंड ऑल नंबर ए फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग और ट्रू ट्रू। फर्स्ट है log of a base 2 equal to 2, नंबर टू है log of base 10 a into a plus 3 equal to 1 और थर्ड है log of a square minus 1 to the base 1 by 3 equal to minus of 1 और फोर्थ है log of a square minus 5 to the base 2 equal to 2। Next question है, find all values of x, find all values of x for which the following hold true क्या है? First log of x square to the base 2 equal to 1, second है आपका log of x to the base 3 equal to log of 2 minus x base 3, number 3 log of x square to the base 4 equal to log of x to the base 4, number 4 log of x 2x plus 1 to the base 1 by 2 equal to log of x plus 1 to the base 1 by 2, and fifth
tan log of x square plus 8 to the base 1 by 3 equal to minus of 2. And last है, if 2 into square root of 3 plus square root of 5 minus square root of 13 plus square root of 48, इतने सारे square root लगे हैं, और ये है root a plus root b, then find a plus b is what. ये आपका होमवर्क है, चलिए आप नोट कीजिए इसको, कल आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ये आप लोग कल सॉल्व करके बताइए। हाँ डेरिया आप लोग ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, पहले आप कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ नॉट प्रॉपरली विजिबल, प्रॉपरली विजिबल था, चलिए ठीक है, मैं आपको आज का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।